हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एडुकेशन। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर 10 ब्लैक ब्यूटी ऑफ योर क्लास 5 न्यू मलबेरी इंग्लिश बुक। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से जो भी मेरे चैनल पर पहले बार आ रहे हैं और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे भी कई वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ब्लैक ब्यूटी चैप्टर जो है वो एक बुक से लिया गया है, ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। इसकी राइटर हैं एना स्वेल। ओके, तो ये जो चैप्टर है वो एक हॉर्स के नरेशन पे बेस्ड है। एक हॉर्स नरेट कर रहा है अपने अर्ली मेमोरीज यानी अपने बचपन की यादों के बारे में। द फर्स्ट प्लेस आई कैन रिमेम्बर वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो विथ अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट। सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट, रशेज एंड वाटर लिलीज ग्रीव एट द डीप एंड। तो हॉर्स यानी ब्लैक ब्यूटी का कहना है कि उसे अपने ज़िंदगी का पहला जगह जो याद है वो एक बड़ा सा घास का मैदान था जिसके पास एक बिल्कुल साफ पानी की का तालाब था और उसके ऊपर कुछ घने पेड़ भी थे, कुछ लंबे लंबे घास भी थे और एंड के तरफ वाटर लिलीज यानी तालाब में निकलने वाली लिलीज भी थी। Over the hedge on one side we looked into a ploughed field and on the other we looked over the gate at our master's house which stood by the roadside। तो वो कह रहा है कि जब जो फेंस होता है यानी कि जिस जगह से बाउंड्री को घेरा गया होता है उस जगह के एक तरफ वो देखता था तो उसे एक खेत दिखाई देता था जिसमें अभी प्लफ किया हुआ था उस खेत को और दूसरे तरफ देखने पे उसे एक गेट दिखाई देता था अपने मास्टर्स के यानी उसके मालिक के घर का जो कि रोड के तरफ था। इन द डे टाइम आई रैन बाई माई मदर साइड एंड एट नाइट आई लेट डाउन क्लोज टू हर। तो दोपहर के वक्त क्या कह रहा है कि ब्लैक ब्यूटी जो है वो अपने मम्मी के साथ दौड़ा करता था और रात के वक्त वो उसके साथ ही सो जाया करता था। When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees. When it was cold, we had a nice warm shed near the plantation. As soon as I was old enough to stay on my own, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. तो ब्लैक ब्यूटी का कहना है कि जब गर्मी पड़ती थी तो वो पेड़ की छांव पे वो सब खड़े हो जाते थे तालाब के किनारे और लेकिन जब ठंड पड़ती थी तो उनके पास एक बहुत ही आरामदायक गरम छांव थी जिसमें वो आराम करते थे ठंड के दिनों में। जैसे जैसे ब्लैक ब्यूटी बड़ा होता गया उसी तरह से उनकी और अपने अकेले रहने के लायक हो गया तो उसकी जो मम्मी थी वो काम पे जाती थी दोपहर के वक्त में और शाम को वो वापस आती थी। There were six young colts in the meadow besides me. They were older than I was, somewhere nearly as large as grown-up horses. I used to run with them. We had great fun. तो ब्लैक ब्यूटी का कहना है कि उसके अलावा उस घास के मैदान में और भी छह छोटे छोटे हॉर्सेस थे और वो कुछ उसमें से इतने बड़े बड़े थे कि बस अब वो एक यंग ग्रोनअप हॉर्स के जितने बड़े हो गए थे और ब्लैक ब्यूटी उनके साथ दौड़ा करता था और ये लोग बहुत ज़्यादा मज़ा करते थे। वी यूज टू कैंटर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो। समटाइम्स वी हैड अ रैदर रफ प्ले फॉर द कोल्ट्स वुड बाइट एंड किक एज वेल एज गैलोप। तो ब्लैक ब्यूटी का कहना है कि हम इतना खेला करते थे, हम उस मैदान में गोल गोल घूमा करते थे जितना भी दूर तक हम जा सके और कभी कभी हम बहुत ही रफ खेला करते थे यानी एक लड़ाई वाला खेल खेला करते थे। कोल्ट्स क्या करते थे, एक दूसरे को दांत काटते थे और इसके अलावा धक्का भी देते थे। वन डे व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग माय मदर वेंट टू मी टू कम टू हर एंड देन शी सेड आई विश यू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो एक दिन ऐसे ही मारपीट का खेल चल रहा था तो ब्लैक ब्यूटी की मम्मी उसको अपने पास बुलाती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। द कोल्ट्स डेट लीव हेयर आर वेरी गुड बट सम ऑफ देम हैव नॉट लर्नड मैनर्स, योर फादर हैज अ ग्रेट नेम। तो ब्लैक ब्यूटी की मम्मी कहती है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे हॉर्सेज रहते हैं वो सब बहुत अच्छे हैं लेकिन उनमें से हर किसी को सही से मैनर्स नहीं आते यानी सही से रहने का सही से बर्ताव करने का तरीका उन्हें नहीं आता।
और वो कहती है कि तुम्हारे पापा का बहुत ही ऊंचा नाम था। फॉर 2 ईयर्स योर ग्रैंड फादर वॉन द न्यू मार्केट रेस कप, योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू, एंड यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज। तो उसकी मम्मी क्या कहती है कि 2 सालों तक तुम्हारे दादाजी ने न्यू मार्केट रेस कप में रेस जीती है। तुम्हारी जो दादी थी उनका जो व्यवहार था वो इतना ज़्यादा अच्छा था, मैंने कभी ऐसी हॉर्स देखे नहीं। और तुमने मुझे भी देखा होगा कि मैं कभी किसी को दांत नहीं काटती और ना ही किसी को पैर से लात मारती हूँ। और मैं यही को उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी एक अच्छे तरह से बड़े होगे और तुम कभी भी खराब आदतों को नहीं सीखोगे। डू योर वर्क विद गुडविल। तो वो कहती है कि तुम अच्छी नीयत के साथ अपना काम करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले। तो वो कहती है कि तुम अपने पैर अच्छे से चलाओ और कभी भी धक्का मारना या फिर किसी को दांत काटने की कोशिश नहीं करो, यहाँ तक कि खेल में भी नहीं। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। आवर मास्टर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ माई मदर बिकॉज शी वॉज वाइज एंड गुड। हर नेम वॉज ड्यूचेस बट आवर मास्टर कॉल्ड हर पेट। तो ब्लैक ब्यूटी का कहना है कि उसने कभी भी उसके बाद अपने माँ की जो एडवाइस थी वो कभी उसे भूला नहीं। और उसका कहना है कि जो उनके मालिक थे वो उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार और अच्छी थी। उसका रियल नेम ड्यूचेस था लेकिन जो उनके मालिक थे वो उसे पेट बुलाते थे। आवर मास्टर गेव अस गुड फूड, गुड लॉजिंग एंड काइंड वर्ड्स। ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रेन। ही वॉज अ गुड मैन। तो ब्लैक ब्यूटी अब यहाँ पे अपने मास्टर के बारे में बता रहा है। उनका जो मालिक था वो उन्हें अच्छा खाना देता था, रहने के लिए अच्छी जगह देती थी और उनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करता था। वो उनसे इतने अच्छे से बात करता था जितना वो अपने छोटे बच्चों से करता था। वो एक अच्छा आदमी था। वी ऑल लाइक्ड हिम वेरी मच एंड माई मदर वॉज डिवोटेड टू हिम। वेन शी सॉ हिम एट द गेट शी वुड नी विद जॉय एंड ट्रॉट अप टू हिम। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से वेल ओल्ड पेट हाउ इज योर लिटिल कॉल टूडे। तो सब उन्हें पसंद करते थे और उन जो ब्लैक ब्यूटी की मम्मी थी वो तो उसकी दीवानी थी। वो जब भी उन्हें गेट पर देखती थी वो खुशी से चिल्लाने लगती थी और दौड़कर उनके पास जाती थी। वो उनके पीठ पे हाथ फेरते थे और बोलते थे कि तुम बताओ ओल्ड पेट कि तुम्हारा छोटा सा बेबी आज कैसा है। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड विच वॉज वेरी गुड। ही ऑफन ब्राउट अ कैरेट फॉर माई मदर। ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू मी बट आई थिंक वी वेयर हिज फेवरेट्स। माई मदर ऑलवेज टूक हिम टू टाउन इन अ लाइट गिग। तो और उसके बाद जो उनके मालिक थे वो ब्लैक ब्यूटी को एक ब्रेड का पीस दे देते थे खाने के लिए जो बहुत अच्छा रहता था। वो हमेशा उसकी मम्मी के लिए गाजर लेकर आते थे और वो कहता ब्लैक ब्यूटी का कहना है कि सारे ही हॉर्सेज उनके पास जाते थे लेकिन उसे ये लगता था कि वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है। और वो कह रहा है कि उसकी मम्मी जो है वो एक छोटे से गिग में बैठा के उसे शहर लेकर जाती थी उनके मालिक को। गिग का मतलब होता है एक ऐसी गाड़ी जिसे एक घोड़ा चलाए। देयर वॉज अ प्लफ बॉय डिक हु समटाइम्स केम इन टू आवर फील्ड टू प्लक ब्लैक बेरीज फ्रॉम द हेज। वेन ही हैड ईटन ऑल ही वॉन्टेड ही वुड हैव वॉट ही कॉल्ड फन विद द कोल्ट्स, थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट देम टू मेक देम गैलोप। द स्टोन्स ऑफन हर्ट अस। तो अब ब्लैक ब्यूटी का कहना है, अब एक और बात बता रहा है वो कि एक प्लव बॉय था यानी हल चलाने वाला लड़का, उसका नाम था डिक। वो कभी कभी इनके खेत में आया करता था ताकि वो ब्लैक बेरीज खा सके। जब वो पूरा खा लेता था उसके बाद वो मजे करने के लिए कोल्ट्स के ऊपर यानी हॉर्सेस के ऊपर पत्थर फेंका करता था और उनके ऊपर छड़ी फेंका करता था ताकि वो कूद कर दिखाएं उसे, और उन स्टोन से उसे बहुत सारे हॉर्सेस को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती थी। वन डे ही वॉज एट दिस क्रूअल गेम वेन द मास्टर केम टू द नेक्स्ट फील्ड। एज डिक डिड नॉट नो दैट ही वॉज बींग वॉच्ड बाई द मास्टर ही कंटिन्यूड थ्रोइंग स्टोन्स एंड अर्थ। एक दिन की बात बता रहे हैं ब्लैक ब्यूटी के,
एक दिन डिक ऐसा ही करते जा रहा था जबकि जब मास्टर जो है दूसरे खेत में जल्दी से आ गए, और डिक को ये बात पता नहीं था कि वो मास्टर उसे देख रहे हैं और वो उनके ऊपर पत्थर पे पत्थर फेंके जा रहा था। द मास्टर जंप टुवर्ड द हेज इन अ स्नैप एंड वेंट अप टू डिक। बैड बॉय ही स्कोल्डेड, बैड बॉय टू चेस द कोल्ड्स, आई शुड नॉट आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फॉर्म अगेन। तो इनके जो मालिक है वो दौड़कर बाउंड्री के ऊपर से आते हैं और वो डिक के ऊपर चले डिक के पास पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं कि बदमाश लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन कोल्ड्स को परेशान करने की? मैं अब तुम्हें अपने फार्म में दोबारा देखना नहीं चाहता। माई मास्टर सेंड डिक अवे सो वी नेवर सॉ हिम अगेन। ओल्ड डैनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेज वॉज टोल्ड टू लुक आफ्टर अस। सिंस ही वॉज जस्ट एज काइंड एंड जेंटल टू एज आवर मास्टर, वी वे कंफर्टेबल एंड हैप्पी। तो मास्टर ने उसके बाद डिक को वहाँ से भगा दिया और इन्होंने फिर कभी डिक को वहाँ नहीं देखा। एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था डैनियल, वो भी घोड़ों की का ख्याल रखता था और उसे बोला गया था हमारा ख्याल रखने के लिए, और वो भी उनके मालिक के जितना ही अच्छा था और बहुत ही नरम दिल था। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे और बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।